क्या लेना चाहिए आपको अगर आपको बल्किंग करनी है। अच्छा, बल्किंग में भी दोनों का गोल अलग अलग है। यहाँ पर जो सलमान है वो बल्किंग चाहते हैं बट मसल साइज पर फोकस ज्यादा रखना चाहते हैं, वजन पर सेकेंडरी, और शादाब वजन पे प्राइमरी और मसल साइज पर सेकेंडरी रखना चाहते हैं। तो क्या सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए उनको? नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है सप्लीमेंट्स वाला फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, ये हमारा परिवार सप्लीमेंट्स वाला परिवार, और परिवार के सदस्य आए हैं सलमान जी और शादाब जी। सबसे पहले मैं भाइयों का स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपको सलमान शादाब, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि दोनों का बॉडी टाइप आप देख रहे हैं एक जैसा, ये बिल्कुल पतले बॉडी है, क्या लेना चाहिए आपको अगर आपको बल्किंग करनी है। अच्छा, बल्किंग में भी दोनों का गोल अलग अलग है। देखिए दोनों ही अंडरवेट हैं बट बल्किंग का गोल दोनों का अलग है। यहाँ पर जो सलमान है वो बल्किंग चाहते हैं बट मसल साइज पर फोकस ज्यादा रखना चाहते हैं, वजन पर सेकेंडरी, और शादाब वजन पे प्राइमरी और मसल साइज पर सेकेंडरी रखना चाहते हैं। तो क्या सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए उनको जानेंगे। सबसे पहले भाइयों का इंट्रोडक्शन लेते हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है। और हाँ, अभी भाइयों ने जो ऑनलाइन भी कोरियर मंगाया था सप्लीमेंट्स वाला फैमिली से ही, बट जो है इन्होंने जो है नहीं लिया, वो क्या रहा क्या नहीं वो भी हम जानेंगे, जरा क्या प्रॉब्लम थी वो, तो मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। तो भाई मेरा नाम सलमान है और मैं मेरठ से आया हूँ जी। मेरा वेट 59 किलो है जी। मुझे अपनी मतलब पूरी बॉडी को लेकर चलना है जी, तो इसलिए मैंने मास्टेक तुम्हारी वीडियो में देखा था, इसलिए मैंने मास्टेक लिया है। मास्टेक लिया है जी, ठीक है। और आपने जो भी क्वेश्चन पूछे सबका आंसर मिला आपको? हाँ जी, पूरी तरह। सलमान मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं लगी ना कि जल्दी वाली कोई बात है? नहीं नहीं भाई, पूरा मतलब बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है और बहुत देख कर दिया है हमें मास्टेक ये जी। शादाब, और शादाब वो वाली बात भी शेयर करना, जब तुमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो फिर क्या चक्कर हुआ? पहले सबसे इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम शादाब है, मैं मेरठ से आया हूँ जी। मुझे वजन बढ़ाना, 55 किलो वेट है मेरा जी। मुझे करना 65 किलो जी, तो इसलिए मैंने ये लिया है भाई से, लबराडा गेनर लिया मैंने। ठीक है, और मुझे बताओ शादाब फिर क्या रही थी वो, तुमने कोरियर मंगाया था, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या बताओ कुछ? मैंने ऑनलाइन मंगाया था, सप्लीमेंट विला से मंगाया हाँ, था। सप्लीमेंट विला से मंगाया था, तो मतलब जो है फिर क्या हुआ उसमें? उसमें हुआ कि उन्होंने फ़ोन किया था मेरे पास कि आपका ऑर्डर आ गया है जी, तो कहाँ आना है? मैंने कहा जी मेरठ आना है जी, तो ये कहने लगे कि खोल के नहीं दिखाएंगे हम। अच्छा, वो कोरियर वाले बोले आपको? हाँ जी। नहीं, खोल के नहीं दिखाएंगे। हमने कहा तो जी क्यों नहीं दिखाएंगे, कंपनी की तरफ से ऑर्डर नहीं है जी, तो हमने फिर उसे कैंसिल करवा दिया। तो कैंसिल हो गया वो? हो गया कैंसिल। पैसे वगैरह सब रिटर्न मिल गए? सब पैसे वैसे सब मिल गए जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भाइयों ने अपना जो है बॉडी गोल बताया, इंट्रोडक्शन दिया, इतनी दूर से भाई आए हैं, इतना प्यार इतना विश्वास लेके, और यहाँ पर शादाब ने बताया कि इन्होंने सप्लीमेंट्स वाला से ऑर्डर डाला था। अच्छा, कितने दिन में आपके पास जो है कॉल आ गई थी डिलीवरी की? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद आ गई थी। तो मेरठ इन्होंने जो है ऑर्डर डाला था, और इसके बाद में इन्होंने जो है शादाब 1000 आपने प्रीपेड किए थे, 1000 इन्होंने प्रीपेड किए थे, बाकी बोला था कि मैं कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर शादाब की जो बात हुई थी वो हुई थी हमारे कोरियर पार्टनर से। मैंने शादाब को भी कहना चाहूँगा, आपको भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके मन में भी ये डाउट हो। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कि वो बिल्कुल ठीक हैं, कोरियर पार्टनर जो हैं हमारे वो आपको बिल्कुल खोल कर ओपन करके कुछ नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू कोरियर, रिलेटेड टू सप्लीमेंट्स, कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा आपसे अगर कोरियर से रिलेटेड भी परेशानी है तो आप कोरियर वालों से बात करो, नहीं, आप करोगे बात सप्लीमेंट्स वाला फैमिली से, हमसे, चाहे कोरियर मतलब डिले हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोरियर जो है आप तक पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो कोरियर वालों से नहीं, हमसे बात करनी है। दूसरी बात ये रही दोस्तों कि जो कोरियर पार्टनर हैं वो नो डाउट आपको ओपन करके नहीं दिखा सकते, और जितने भी कोरियर्स होते हैं वो हमारे यहीं से ही पैक होके जाते हैं। और दोस्तों पैकिंग ऐसी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो वो खुलेगा या वो फटेगा, मतलब कि आप उसको ओपन करके रीपैक नहीं कर सकते। शादाब के मन में ये डाउट था कहीं ऐसा ना हो कि कोरियर वाले कुछ गड़बड़ कर दें, शादाब यही डाउट था कि कोरियर वाले गड़बड़ कर दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैकिंग ऐसी होती है कि वो खुल नहीं सकती, वो बिल्कुल ही मतलब फटेगी पैकिंग। इस हिसाब से हम पैकिंग करते हैं कि कोई भी मतलब कोरियर बॉय वगैरह कोई भी उसमें चाहकर भी गड़बड़ ना कर सके, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, सप्लीमेंट्स विला फैमिली हर तरीके से साथ है आपके। फिर शादाब ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया और सारी चीज़ें, और शादाब को जो है उनकी अमाउंट रिफंड मिल गई, और अब शादाब जो है स्पेशल आए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए मैं आपको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट्स विला हर तरीके से हर लेवल पे आपके साथ है, तो आप निश्चिंत होकर ऑर्डर कीजिए।
और कोरियर वालों से या किसी से भी आपको कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है उनसे। सिंपली अगर आपके पास डिलीवरी के लिए कॉल आती है, सिंपली आप उनको बोलिए ठीक है सर हमारे पास आप इसको डिलीवर कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी शंका है, कुछ भी मन में आपको सवाल है, आप डायरेक्ट पूछिए हमसे। पर हाँ ये बात जरूर है, अगर वो कोरियर ऑलरेडी, मतलब जो मैंने बता दिया पैकिंग ऐसी है कि अगर वो ऑलरेडी फटा हुआ है कोरियर बिल्कुल, तो वो आप जो है उनसे कह सकते हैं कि भाई ये कोरियर कैसे फटा हुआ है। बट वैसे आप उनसे बिल्कुल ना कहें कि खोल के दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, नहीं। सारे कोरियर्स जो हैं सप्लीमेंट्स विला से पैकिंग टीम से ही जाते हैं, पूरा अच्छे से पैक होते हैं, सारी नज़रों के सामने होता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ओरिजिनलिटी का दूसरा नाम सप्लीमेंट्स विला है, हर तरीके से सपोर्ट के लिए हम हैं सप्लीमेंट्स विला फैमिली। तो ये डाउट जो है आपके मन में भी आएगा, इसलिए मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको। तो अब यहाँ पर जानेंगे, सलमान ने लिया है दोस्तों यहाँ पर मसल टैक मास टैक, दिखाइए एक बार, मसल टैक मास टैक 7 LBS, जो कि हाई प्रोटीन मास गेनर है, क्योंकि यहाँ पर सलमान को वजन पे सेकेंडरी और प्राइमरी मसल्स पे फोकस रखना है। वेट भी है 59, साथ में लिया है क्रेटीन, बॉडी वेट भी सप्लाई करेगा, स्ट्रेंथ गेनिंग में हेल्प करेगा। तो ये द बेस्ट ऑप्शन है आपके पास भी, अगर आप भी चाहते हैं सलमान की तरह। और वहीं पर शादाब ने लिया है लबराडा मसल मास गेनर 11 LBS पैकिंग और उसके साथ क्रेटीन। और भाई ने यहाँ पर लिया है लबराडा क्योंकि इनको वेट पर ज़्यादा फोकस रखना है और मसल्स पर सेकेंडरी। क्रेटीन यहाँ भी लिया है, क्रेटीन स्ट्रेंथ गेन कराएगा, हैवी लिफ्ट कर पाएंगे, हैवी लिफ्ट करेंगे तो मसल साइज आएगा। और यहाँ पर दोनों भाइयों ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, वो था रमज़ान को लेकर, भाई पूछा था रमज़ान को लेकर। हाँ जी, तो दोस्तों देखिए, एक जो है काफ़ी हमारे जो भाई हैं सप्लीमेंट्स वाला फैमिली मेम्बर है, वो भी रमज़ान को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हमें खाना चाहिए, सप्लीमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि रमज़ान में जो है एक टाइम ही खाना खाते हैं सलमान, एक टाइम ही खाना खाते हैं। दो टाइम? अच्छा, दो टाइम खाना खाते हैं पूरे दिन में, शाम, सुबह और शाम को। तो सुबह और शाम को खाना खाते हैं आप, तो दोस्तों उसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको सप्लीमेंट नहीं लेना, आपको खाना ही खाना है, जो भी मतलब जो अलाउड होता है वो आप खाना खाइए। और ट्राई कीजिए हाई प्रोटीन, उसमें मिल्क वगैरह, दही वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। तो आपको खाना ही खाना है, पता लगे आपने खाने को छोड़कर सप्लीमेंट ले लिया है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यार खाने की पूर्ति पहले करनी है हमें, सप्लीमेंट सेकेंडरी चीज़ है। अगर हम अपने खाने को हटाकर सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और भाई बता रहे हैं कि रमज़ान में जो है दो टाइम ही खाते हैं, तो भाई दो टाइम में तो खाने की पूर्ति हो जाए वो ही बहुत है हमारी। तो इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी जो है सप्लीमेंट नहीं लेना है। और मैंने तो सलमान और शादाब को पूछा भी था, मैंने भाई फिर तुम्हारा मतलब जो एक महीने का फास्टिंग है क्या? फिर उन्होंने भाई ने बताया कि भाई हम जो है सिर्फ फ्राइडे टू फ्राइडे रखेंगे। तो मैंने कि फिर तो एक दिन से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप नॉर्मली आप इसे यूज़ कीजिए। तो आपको मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमारे सप्लीमेंट्स वाला फैमिली मेम्बर है जो इसको लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप दो टाइम खाना खाएंगे उस अपने फास्टिंग डेज में, रमज़ान के दिनों में, तो आपको खाना ही खाना है, सप्लीमेंट को नहीं खाना है आपको। और अगर आप पूरे महीने भर का रखते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि सप्लीमेंट को आप होल्ड ही कर दें, अगर आप ले चुके हैं तो होल्ड कर दें आराम से, उसको सील पैक वगैरह करके रख दें। और अगर आपने नहीं लिया है, लेने का सोच रहे हैं, तो रुक जाओ, पहले अपना जो है ये जो रमज़ान वाले जो आपके फास्टिंग है इनको कंप्लीट कर लो आप, उसके बाद ले लेना। तो इसलिए दोस्तों, क्योंकि डाइट हमारा बेस रहने वाली है, डाइट के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये सलाह मैं आपको भी दूंगा, क्योंकि फैमिली है यहाँ पर, सेल वाली कोई बात नहीं। और यही चीज़ जो है मैंने भाइयों को भी बताई, और मैं जो है भाई कह भी चुके हैं, तो मैं पूछूंगा एक बार सलमान, तो सप्लीमेंट वाला फैमिली को 5 स्टार में से क्या रेटिंग देंगे? 5 में से 5। और शायदा 5 ही देंगे हम भी। तो भाई कोई सेल वाली बात तो नहीं लगी ना आपको? नहीं, क्योंकि दोस्तों सेल के पीछे नहीं, यहाँ है परिवार के पीछे, और रिजल्ट तो मिलेंगे, मैंने दोनों भाइयों को बता दिया है। मैंने भाई जब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे तब तक पीछा छोड़ूंगा नहीं मैं आपका, पीछे लग जाऊंगा। तो भाइयों को ओरिजिनल मिले हैं, मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ एक बार। तो जो है मसल टेक मास टेक का जो सेलिंग प्राइस अभी चल रहा है सप्लीमेंट वाला पर, वो है 4600। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपके लबराडा 11 LBS, वो है 4800 और क्रेडिन 650। भाइयों को मिले ओरिजिनल विद GST बिल, और भाइयों ने GST बिल भी जो सजा के रख लिया है बिल्कुल लबराडा के ऊपर, ये बिल मिले हैं भाइयों को, जिन बिल के ऊपर सप्लीमेंट्स का GST नंबर, एफएस लाइसेंस नंबर, स्टैंप, सिग्नेचर, सारी चीज़ें मेंशन है। नो डाउट यहाँ पर अगर हम ओवरऑल दोनों भाइयों का टैक्स देखें, तो भाइयों ने 1600-1700 का टैक्स भी पे कर दिया। देखिए दोस्तों, 18% टैक्स होता है, आप कोई भी सामान लेंगे, कुछ भी लेंगे, जो टैक्स होता है ना वो एंड बायर पे ही जाता है, ध्यान रखेंगे। चाहे मोबाइल ले लो आप, उस पर जो भी टैक्स है ना वो एंड बायर जो होगा उसके ऊपर जाएगा। गाड़ी ले लो आप, बाइक ले लो आप, तो ऐसे ही 18% जो टैक्स है वो एंड बायर पे जाता है। पर दोस्तों फेक माफिया फंसाता है, इतना सस्ता उतना सस्ता। मैं दोनों भाई से पूछूंगा क्या फर्क पड़ा, जहां सेहत का सवाल है भाई ने 800-900 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं ईच अलग अलग,
क्या फ़र्क पड़ा सलमान? मैंने तो पहले कोई लिया नहीं था सप्लीमेंट। जी पहली बार लिया है आप? जी हाँ, फर्स्ट टाइम लिया। मैं तो एक डेढ़ साल से देख रहा हूँ, देखता हूँ तुम्हारी वीडियो जी। मैंने तो शुरू से ही सोच रखा था कि तुमसे ही लेना प्रोटीन, जब भी जिम स्टार्ट करूँगा तो प्रोटीन तुमसे ही लूँगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मतलब? नहीं जी। और शादाब? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या सलाह देना चाहेंगे शादाब सबको? सप्लीमेंट भी ला पे आना भाई साहब, ओरिजिनल चीज़ मिलती है। दोस्तों भाई जो थोड़े शर्मिले टाइप के हैं, क्योंकि जब वीडियो के लिए मैं बोल भी रहा था भाई को, मैंने भाई एक वीडियो बनवा दो, तो सलमान शादाब को कह रहे थे पहले तू बोल पहले तू बोल। तो दोनों भाइयों का जो है यहाँ पर जुगलबंदी भी देखने को हमको मिलती है और मजाकिया किस्म के हैं दोनों भाई। तो दोस्तों अच्छी बात है, हंसते रहना चाहिए, हंसेंगे तो यार खून बढ़ेगा और टेंशन फ्री हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है यार हंसते रहो, ज़िंदगी है, हंसने गाने का ही नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भाई ने वीडियो बनवाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगे मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट से। आज के वीडियो में सीधे मिलकर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।